नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपना भाषण खत्म कर लोकसभा से बाहर जाते समय राहुल गांधी ने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस के इशारे किए हैं। सदन में राहुल गांधी की शिकायत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे एक बात पर आपत्ति है, जिसे राहुल गांधी मुझसे पहले बोलने का मौका दिया गया, उसने जाने से पहले अभद्रता की है। यह केवल एक महिला देशी व्यक्ति है जो महिला सदस्यों को बैठाने वाली संसद को फ्लाइंग किस दे सकता है। देश की संसद में ऐसा मर्यादित आचरण पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों और कश्मीर में अशांति एवं कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस का इतिहास खून से सना है और विपक्ष को महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण, नौजवानों के हितों एवं देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि राहुल गांधी ने भारत माता की हत्या की बात की और कांग्रेस के लोग यहां मेज थपथपा रहे थे। संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्षी सदस्यों की टोका टोकी के बीच ईरानी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार के समय हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों और कश्मीर में अशांति एवं कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार तथा आपातकाल के मुद्दे उठाए और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान के जवाब में कहा, मणिपुर खंडित नहीं है, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ना सिखों के साथ इंसाफ किया, ना ही नौजवानों, किसानों के हितों की चिंता की और ना ही महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया। ईरानी ने कहा कि ऐसे में जो देश के लोगों, महिलाओं, गरीबों और नौजवानों की बात कर रहा है, उस पर देश फिर से विश्वास करेगा। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।